नमस्कार दर्शक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते सोने चांदी की कीमतों ने कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी में डाल दिया। जिस तरह से आप जानते हैं शादियों के सीजन है, हर किसी ना किसी रिश्तेदार का या अपने घर में कोई ना कोई शादी का ब्याह का जो समारोह है जुड़ा रहता है। पर वहीं पर सोने के दाम लगातार जो आसमान छू रहे थे, उसे जनता जो थी, खासकर लोग जो थे, काफ़ी चिंतित थे। पर एकदम से धड़ाम से सोने की कीमतों में गिरावट आई है, तो सुनहरा मौका है जनता के लिए कि जल्द से जल्द जिन लोगों के घर में शादी ब्याह या आने वाले समय में खास करके महिलाओं की पहली पसंद की अगर बात करें तो गोल्ड है, यानी कि वो सोना है। उसी के चलते अभी बड़ी जो खबर आ रही है कि सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम भी गिरे। बताना चाहेंगे कितना हुआ सोना, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अगर बात करें तो सोना जो है वो 78,000 रुपये प्रति यानी 10 ग्राम जो कि ये समय कीमतें हो चुकी थी, जिससे चलते लोग सुनार की दुकानों पर जाने से भी डरते थे। यानी अगर दुकान पर चढ़ें या अगर एक तोला सोना भी लेना होगा तो आपकी जेब में लगभग 80,000 से 85,000 रुपया होगा, तब जाकर आप एक तोला यानी कि 10 ग्राम सोना खरीद सकेंगे। बताना चाहेंगे देश भर में वेडिंग सीजन की शुरुआत होते गई, ऐसे में इन शादियों के सीज़न में सोना चांदी की डिमांड और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस दौरान सोना भी सस्ता हो जाए तो आपके लिए किसी सुनहरे अवसर या सोने पे सुहागे से कम नहीं होगा। फिलहाल इन धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कीमतें जो हैं फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं गोल्ड के रेट के बारे में क्या है। बताना चाहेंगे अचानक 78,000 से धड़ाम गिरा सोना, 18, 22 और 24 कैरेट का क्या है ताज़ा रेट। कई दिनों की भारी उतार चढ़ाव के बाद देश भर में सोना और चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है। खासकर शादियों के सीजन में तो गहने खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप भी शादी ब्याह के पर्पज के इन दिनों गहने बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोना चांदी का ताज़ा भाव ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बता दें कि आज 16 दिसंबर को यानी कि को भी सोने के साथ चांदी के दामों में तगड़ी गिरावट आई है। खबर में जानिए कैसे ट्रेड कर रहे हैं 24, 22 कैरेट का ये गोल्ड और लेटेस्ट जो सिल्वर के प्राइस है। ताज़ा भाव बताना चाहेंगे सोने की कीमतों की बात करें तो कल 15 नवंबर की तरह आज 16 नवंबर को भी 24 कैरेट के गोल्ड की कीमत 74,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रुकी हुई है। यानी कोई गिरावट नहीं, कोई चढ़ाव नहीं है, पर लगभग यानी कि एकदम से 78,000 से 74,600 रुपये यानी कि लगभग 4,000 के करीब जो कि गिरावट आई है, जो उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी सांस है जो जिन लोगों के घरों में शादी ब्याह का समारोह जुड़े हुए हैं और उन्हें चिंता है कि किस तरह से समारोह में सोने की खरीदारी करेंगे। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे आज भी सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत यानी कि 69,450 रुपये प्रति तोला ट्रेड कर रही है। 22 कैरेट गोल्ड से आभूषण बनाए जाते हैं, 18 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट गोल्ड का रेट 58,100 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्थित है। ऐसे में खरीदारों के लिए तो अभी गोल्ड खरीदने का सुनहरा मौका, यानी जो सोना 78,000 तक पहुंच चुका था, यानी लगभग अगर बात करें तो 80,000 के करीब था, लोगों को चिंता सताई जा रही थी या जिनके घर में आने वाले समय में शादियां ब्याह, इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है और लोग तैयारी भी कर रहे हैं, सोने की खरीदारी कर रहे हैं। हाल ही में दीपावली गई है और साथ ही साथ अगर बात करें जो धनतेरस का त्यौहार, उस दिन लोग सोना खरीदते हैं, पर जिस तरह से बाज़ारों में भीड़ भड़ाका होना चाहिए वो नहीं देखने को मिला, खास करके सराफा बाज़ार में, क्योंकि लोग जो खरीद सकते हैं वही खरीद सकते हैं जिनके पास सरमाया। पर गरीबों की अगर बात करें, मिडिल क्लास लोगों की, तो आज के दौर में सुनार की दुकान पर चढ़ने से भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। सॉरी, जहाँ पर उन्हें ये सोचा होगा कि 10 ग्राम या एक तोला लेंगे, वहीं पर वो 5 पर ही सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि लगातार कीमतों ने कहीं ना कहीं आम जनता को, खासकर जो भी ये कहेंगे मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं परेशानी को बढ़ा दिया था। पर उसी के चलते लगातार सोने की गिरावट, यानी कि एकदम से 78,000 से लेकर अब ये एकदम से नीचे गिरा 74,600 रुपये पर आकर सिमटा है गोल्ड की कीमत। और वहीं पर अगर बात करें तो 22 कैरेट जो है वो 69,450 पर आकर सिमटा है। तो फिलहाल खुशी की खबर है
उम्मीद कर रहे हैं ये भी कि हो सकता आने वाले समय में उछाल भी हो, पर अभी कल की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी उछाल नहीं हुआ, ना ही गिरावट हुई है। 74,600 रुपये पर जो गोल्ड है 10 ग्राम का 24 कैरेट का, वो उसकी कीमत अभी उसी तक सिमटी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा गिरावट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिनके घर में आने वाले समय में शादी ब्याह है या चिंतित है, उनकी चिंता थोड़ी दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदे। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की पहली पसंद जो है वो सोना है। यानी सोना अगर बात करें तो वो एक इन्वेस्टमेंट भी होता है, एक जमा पूंजी भी होती महिलाओं की, जो आने वाले समय में जब उनका शादी ब्याह होती तो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा बनाती हैं, और आने वाले समय में जब उनके घर संतान होती है और संतान बड़ी होती है, उनकी शादी करनी होती है, तो वही महिलाएं अपने जो जेवरात होती हैं, अपनी वो जमा पूंजी होती है जो उन्हें काफ़ी कम दामों में ली होती है, तो उस समय जब बच्चे बड़े होते हैं, समय बीतता जाता है, काफ़ी उसकी कीमत हो जाती है, तो उन्हें वो काफ़ी उस समय मदद मिल जाती है, काफ़ी उनकी सहायता हो जाती है, उन्हीं आभूषणों को, उन्हीं जेवर को, यानी आभूषणों को वो नए आभूषणों में तब्दील करते हैं और अपने बच्चों की शादी जो शान शौकत से करते हैं, जो सपने उन्होंने देखे होते हैं। और इसीलिए इसी तरह कि अब जो सोना की गिरावट हुई है तो लोग जमकर खरीदारी भी करेंगे, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और ये जो खरीदारी कम हो, और ख़ास करके हमने पहले ही कहा महिलाओं की पहली पसंद सोना होती है, पैसे जोड़ जोड़ कर वो यही चाहती हैं बैंक के बजाय छोटी छोटी चीज़ें सोने की बना ले, ताकि आने वाले समय में रेट में तो बढ़ोतरी होती है, वहीं पर बच्चों के काम भी आते हैं। फिलहाल ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी आम और जनता तक भी पहुँचे और जल्द से जल्द वो सराफा बाजारों की तरफ दौड़े, ताकि जिनके घर में शादी ब्याह उनको राहत थोड़ी मिली ज़रूर है। जुड़े रही ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।